हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ना क्लास राम नवदीप कौर एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट जे का फ्री कोर्स पेपर वन के ऊपर और सबको शुभकामनाएं इस नए कोर्स से ये बिल्कुल मुफ्त रहेगा ठीक है सारी की सारी यूनिट्स होंगे टीचिंग एप्टीट्यूड की आज पहली क्लास है और आज डे वन है ठीक है इसी तरीके से आपने एक भी क्लास मिस नहीं करनी है आपने क्या करना है मैंने फ्री कोर्स की प्ले लिस्ट पर बना दी है मिशन जे एर एफ डाल प्ले लिस्ट दिया और आपने रोज आके नव क्लासे यूट्यूब चैनल पे लाइव में करके चेक करना है वीडियो आ गई लाइव देखना है अगर नहीं आई अगर मान लो आपकी मिस हो गई है तो रिकॉर्डेड देखना है ठीक है इस तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं टेलीग्राम पे भी नव क्लासेस सर्च करके फॉलो कर, कर लेना ताकि फ्री क्लासेस आपको मिल जाया करें ठीक है और आने के उसके अलावा अगर आप मेरे कंटेंट से पढ़ना चाहते हो ना तो आपको ईच एंड एवरी थिंग पूरा का पूरा सिलेबस कवर होगा इस पर्टिकुलर कंसेप्ट बुक के साथ ठीक है और अगर आप क्वेश्चन बैंक लेना चाहते हो एम करना चाहते हो तो फिर आप मेरे क्वेश्चन बैंक ले सकते हो इन दोनों में से कोई एक इसमें सिर्फ ट्वेंटी ट्वेंटी टू वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसमें टू थाउजेंड एटी से ट्वेंटी टू सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए हैं आप उसमें से चूज कर सकते हैं क्वेश्चन बैंक एक लेनी है मेरा जो ये स्टेप बाय स्टेप पर्सनलाइज गाइडेंस रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखना है या रिसर्च पेपर कैसे लिखना है का कोर्स लॉन्च हो चुका है बम्पर Uh, उसके अंदर टू ट्वेंटी ट्वेंटी सीट्स ही हैं टोटल बस सीट जस्ट फुल होने वाली हैं अगर आप डेफिनेटली पढ़ाई करना चाहते हो पर्सनलाइज मेरे से एक एक बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन दूंगी मैं तो आप ये कोर्स ले सकते हो कुडोजी लर्निंग ऐप या फिर कुडोजी लर्निंग डॉट कॉम में डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है तीसरा चौथा लिंक होगा जाके चेक कर लेना ठीक okay. है यही चीज़ अगर हम जॉन डेवी के हिसाब से देखें तो जॉन डेवी ने क्या बताया हमें जॉन डेवी ने बताया है जल्दी कमेंट करो तक तो uh, बाहर जाने दो ठीक है इसको सीखने दो इसको रियल लाइफ एक्सपीरियंस करने दो तो फिर यहाँ पे सोशल इन्वायरमेंट भी बड़ा जोर देते हैं तो जॉन डेवी ने टीचिंग को तो रखा ही है और स्टूडेंट को भी रखा है उसके साथ जो तीसरा कॉम्पोनेट है इसकी जगह पे उन्होंने सोशल इन्वायरमेंट डाल दिया अगर यही डेफिनेशन आपके जॉन डेवी के हिसाब से पूछी जाए तो वो कहते हैं एजुकेशन तीन पार्टों में हम बांट सकते हैं पहला टीचर दूसरा स्टूडेंट और सोशल इन्वायरमेंट में जिसपे वो इंटरेक्ट करता है ऐसा क्यों क्योंकि जॉन डेव्यू के हिसाब से जो बच्चों ने पढ़ाई करनी है ना उसके बेसिस पे सोसाइटी में जाके ही स्टैंड करना है ठीक है वो कहते हैं कि अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपने कहीं ना कहीं अगर प्रोफेसर बनना है या फिर जॉब करनी है तो कहाँ जाके करनी है बताओ सोसाइटी के हिसाब से सोसाइटी में जाकर तो इसलिए हमें सोशल इन्वायरमेंट के बारे में भी पता होना चाहिए ठीक है ऐसा बोलते हैं वो लर्निंग बाई डूइंग आएगा बिल्कुल आगे थोड़ी देर बाद आएगा थी? तो ये के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया है अब हम अगला टॉपिक करेंगे यहाँ पर वट आर करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ठीक है फीचर्स क्या है तो फीचर क्या है टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड ट्रेनिंग टीचर का मेन काम है बच्चे को गाइडेंस एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करना ठीक है इसका क्या मतलब हुआ हिंदी में मार्गदर्शन और शिक्षण प्रदान करना ठीक है दोनों लैंग्वेज बोल रही हूँ साथ एक टीचर का और स्टूडेंट का इंट्रैक्शन है ठीक है टीचर और स्टूडेंट का इंट्रैक्शन है टीचिंग एक आर्ट भी है और साइंस भी वट इज द मीनिंग ऑफ आर्ट आर्ट का मतलब होता है कला कला का मतलब विच वी कैन चेंज एज पर दिचुएशन ठीक है इसको अपने हिसाब से अडेप्ट कर सकते हैं मतलब ढाल सकते हैं ठीक है ये किस किस को समझ आ गई पॉइंट टीचिंग एक कला है जिसमें अपने आप को यू नो ढाल सकते हैं यस yes, बिल्कुल नया कोर्स स्टार्ट किया है पूरा पेपर वन होगा यहाँ पर ठीक है तो बशर्त है आप एक भी क्लास मिस ना करें साइंस साइंस क्यों है साइंस में प्रॉपर रूल्स होते हैं फॉर्मूला होते हैं ठीक है थीके? तो वो रिजिड होता है इज दिस क्लियर तो साइंस में क्या होता है कि अगर मैं आपको टीचिंग कर रही हूँ तो एक तरीके से हम कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं रिजिडिटी यहाँ पर बरकरार रहती है तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ इन ये दोनों है मतलब देखो अगर मुझे पता चल रहा है कि मैंने बिल्कुल नया कोर्स स्टार्ट किया है तो ये बिल्कुल न्यू बिगनर स्टूडेंट्स भी देखने वाले हैं उसका मतलब ये एक आर्ट है मुझे इसके हिसाब से इस कोर्स को क्या करना होगा चेंज करना ढालना होगा चेंज करना होगा आपको समझाने के लिए अगर यही जब मैं पेपर आने वाले होते हैं रिविजन करवा रही होती हूँ तो मुझे पता है कि लर्नर अभी पढ़ चुका है सिर्फ रिविजन मोड पर होगा तो तब हम बहुत फास्ट और सीधा सीधा मेन मेन टॉपिक कवर करते हैं तो इसका मतलब कि वहाँ पर क्या हो रहा है कि ये हमने चेंज कर दिया फास्ट मोड पे कर दिया तो आर्ट का मतलब क्या है एज पर द सिचुएशन हम टीचिंग में चेंजेस कर सकते हैं हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड राइट डाउन इन द कमेंट यस ओके देन नेक्स्ट इज साइंस साइंस क्यों है क्योंकि कुछ रूल्स होते हैं रूल्स का एग्जांपल क्या हो गया जैसे कि अगर मुझे आपको पढ़ाना है तो यार कला क्या, uh, क्या कहती है साइंस क्या कहती है साइंस कहती है बेसिक से एडवांस लेवल तक जाओ साइंस कहती है कि कुछ मॉडल या थ्योरी किसी विद्वानों ने ऑलरेडी दी हुई है उसको उसी स्टेप में बताने चाहिए तो इसका मतलब कुछ स्टेप्स पढ़ाने के फिक्स रहते हैं तो इसलिए ये साइंस भी है ठीक है यस वेरी गुड तो यहाँ पर हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमें समझ में आ गए इसी प्रकार से थोड़ा आगे चलते हैं कि कंटिन्यूस प्रोसेस है ये क्या है कंटिन्यूस प्रोसेस टीचिंग कंटिन्यूस प्रोसेस हमेशा ही चलते रहता है ठीक है अगर हमें टीच करना है कॉन्फिडेंटली तो फिर हमें उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए और अगर मुझे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नॉलेज है तो फिर मैं कॉन्फिडेंटली इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को टीच कर सकती हूँ ठीक है तो काइजन भी है हमारे सामने एक बहुत ही प्यारे से यू नो पर्सन काइजन ने क्या किया काइजन ने एक मॉडल दे दिया कि भाई जो टीचिंग है उसका मेन मकसद क्या है कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट मतलब आप टाइम टू टाइम टाइम टू टाइम अपने जो अगर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो यू हैव टू कंटीन्यूअसली इंप्रूव योरसेल्फ राइट तो हम इस पे क्या करते रहते हैं प्लान करते हैं डू कार्य करते हैं उसको चेक करते हैं हमने सही करा है कि नहीं करा और फिर प्रॉपर्ली एक्ट कर पाते हैं ओके प्लान डू चेक एक्ट तो ये बेसिकली काइजन बोलते हैं और हर बार इसी तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है हो तो फिर आगे 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 करते रहते हैं तो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करना समय समय के साथ हमारा मेन कर्तव्य है ठीक है यस और नो हाँ पेपर टू में भी था पेपर वन में भी थे बिल्कुल थे वो काइजन कॉस्टिंग की कोई वाला उसमें कोई वाले पर्सन है सेम है तो फ्रेंड्स टीचिंग एनकरेज करता स्टूडेंट को कि वो ज्यादा से ज्यादा सीखे तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट टीचिंग का क्या आता है टू मोटिवेट इन्फ्लुएंस स्टूडेंट टू लर्न मोर एंड मोर ठीक है टीचिंग फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों है फॉर्मल किस प्रकार से क्योंकि हम एक क्लासरूम में एज अ टीचर पढ़ा रहे होते हैं ठीक है एकदम ओवर मैं आपके साथ घुल मिल जाऊंगी तो फिर आप तो मेरे सर पे चढ़ जाओगे है ना यस yes, ये फ्री क्लास आज से स्टार्ट हुआ है डे वन है बिल्कुल लिखा हुआ मैंने डे वन अगर ये इनफॉर्मल की बात करेंगे तो ड्यूरिंग द क्लास मुझे लर्नर के साथ डिस्कशन करना हो सकता है और कई बार हम लोग एग्जाम्पल दे देते हैं जो ऑफ्टर टॉपिक पे चले जाते हैं सिर्फ इसलिए ताकि आपको टॉपिक समझ में आ जाए राइट right? तो यहाँ पर हम लोग आ, क्या करते हैं इनफॉर्मल लेवल पे भी चले जाते हैं अगर मैं ड्यूरिंग द क्लास की बात करूँ तो हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करके पढ़ते हैं और उस इंटरेक्शन के अंदर ये थोड़ा इनफॉर्मल होते हैं ये नहीं पता चलता कि स्टूडेंट भी तो इनपुट प्रोवाइड कर रहा है और टीचर भी इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो दोनों अच्छे से घुल मिलकर पढ़ाई करते हैं जैसे अभी हम फ्री क्लास में एक दूसरे के साथ घुल मिल के पढ़ाई कर रहे हैं राइट यस तो यहाँ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों हो गए टीचिंग के करेक्टरिस्टिक्स और क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं टीचिंग का मतलब है कि लर्नर को इस प्रकार पढ़ाई करवाना ताकि वो अपने आप को एडजस्ट कर सके ठीक है क्या चाहिए हमें लर्नर अपने आप को एडजस्ट कर सके सोसाइटी में उसके एनवायरमेंट में उधर जाके एक बड़ा अच्छा नागरिक बन सके देश को गुड यू नो पर्सन हमें देना है जो कि मॉरल हो और साथ ही साथ लाइफ में कुछ अच्छा कर सके जैसे कि आप जॉब कर सको जॉब नहीं मिल रही अपना खुद का काम कर सको वट एवर ठीक है इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी टीचिंग क्या है एक एक्टिविटी है ठीक है जिसमें हम इंटेलिजेंस का यूज करते हैं दिमाग का यूज करते मीनिंगफुल फंक्शनिंग ऑफ द माइंड है माइंड की मीनिंगफुल फंक्शनिंग इज दिस क्लियर यस और नो अच्छा डेली टाइम पे रहेगी क्लास टाइम मेरा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है बाकी डेली क्लास लूंगी ये मेरी बात पक्की है डेली क्लास लूंगी आपको टाइम का कहाँ पता चलेगा मेरे टेलीग्राम में पता चलेगा ठीक है क्लास डेली लूँगी अब नो इफ नो बट सिर्फ पढ़ाई टेलीग्राम पे नव क्लासेज सर्च करके फॉलो करके रखो वहाँ हमारी रोज क्लास का लिंक तो आएगा आए ही आएगा तो फिर यूट्यूब भी आप नोटिफिकेशन ऑन रख लो अभी हमने टीचिंग के क्या पढ़े करेक्टिक्स पढ़े अब हम डिस्कस करेंगे आ, टीचिंग जो होता है वो किस प्रकार से टीचिंग हम हैं टीचिंग के मेथड्स इंस्ट्रक्टर सेंटर स्टूडेंट सेंटर ठीक है वो हम पढ़ने वाले हैं इंस्ट्रक्टर को और क्या बोलते हैं भाई टीचर सेंटर पता था पता ही होगा इतना तो ठीक है तो टीचर सेंटर मेथड ऑफ टीचिंग टीचर सेंटर मेथड ऑफ टीचिंग में क्या होता है ये एक तरीके से ट्रेडिशनल मेथड है ठीक है पुराने जमाने का मेथड है क्या है ये ट्रेडिशनल पुराने जमाने का मेथड है इसमें टीचर अपने आप को एक्सपर्ट समझ और ये कैसा होता है वन वे वन वे मेथड होता है ठीक है इसमें और क्या क्या होता है कोई बताएगा कमेंट में वेरी गुड तो फ्रेंड्स टीचर सेंटर मेथड टीचर अपने आप को एक्सपर्ट समझता है वन वे मेथड होता है इसके अंदर बेसिकली एग्जाम्पल के लिए लेक्चर मेथड दिया जा सकता है इसमें आपने वो टीचर देखे होंगे बस किताब पकड़ी नहीं बस आपने नोट्स उठा कर ले आए और यहाँ बैठ के यूं पढ़ जा रहे हैं और आप बस नोट कर रहे हो तो राइट बस लेक्चर झाड़ रहे हैं सिमिलरली बस अपना आए अपना लेक्चर देके निकल लिए कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है कोई फीडबैक नहीं है, तो दिक्कत कहाँ आ रही है यहाँ पर देयर इज नो फीडबैक ठीक है लर्नर पैसिव है जी ठीक है तो लर्नर यहाँ पर क्या था पैसिव वो क्या कर रहा है लर्नर क्या कर रहा है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉपी मार रहा है मतलब जो पढ़ाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ कॉपी मारने से मतलब है और कुछ नहीं हाँ जी तो मैं मैंने स्कूल में लेडी टीचर से इतने चांटे खाए हैं अच्छा अब पढ़ लो ठीक है अच्छा इसका नाम ही चांटा है वेले बच्चे तो क्या यहाँ पे कहते हैं कि एक्सपर्ट वन वे लेक्चर मेथड

आज़ादी नहीं मिली प्रश्न पूछने के अपने हिसाब से ठीक है तो ये बंधा हुआ सा मेथड है जो बोल दिया जो पढ़ा दिया बस वो ही बहुत है बाकी लर्नर की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नहीं होती है ठीक है लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट यहाँ ये दिक्कत होती है ठीक है चलो वेरी गुड क्वेश्चन बैंक की जो बुक है वो ग्रीन वाली ही रहेगी ठीक है जिसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के लिए भी क्योंकि अभी जब नया क्वेश्चन अगर आएंगे भी तो वो मैं आपको रात को दस बजे वाली क्लासेस में भी करा दिया करूंगी और बेसिकली हाँ प्रिंट हो अभी पेपर आए नहीं है आएंगे मार्च एंड के अंदर या अप्रैल में अप्रैल के बाद मई आ जाएगा जून तो वो उसका कोई टाइम नहीं है ना टाइम तो नहीं है तो ट्वेंटी ट्वेंटी वाली जो क्वेश्चन बैंक बुक है ग्रीन कलर की आप उसी को ले लो और उसमें सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड अभी नेक्स्ट मैथड कौन सा आएगा फ्रेंड्स इंस्ट्रक्टर सेंटर के बाद लर्नर सेंटर सेंटर मैथड लर्नर सेंटर मैथड के अंदर टीचर और इंस्ट्रक्टर दोनों ही क्या होते हैं एक्टिव होते हैं दोनों ही एक्टिव होते, होते हैं तो क्या बोले हम एक्टिव एग्जाम्पल इसका हो गया डिस्कशन मैथड ठीक है जैसे कि डिस्कशन हम एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हैं तो यहाँ पे लॉरेंस हाउस ने भी बोला है टीचर प्ले डूल रोल डूल रोल क्यों क्योंकि जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ है ना कुछ टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं मेरे को आपसे सीखने को मिल जाए तो यहाँ पर टीचर एज अ लर्नर एंड टीचर दोनों का रोल अदा कर रहा होता है ठीक है हाँ यस जी थ्योरी की बुक है मेरे पास हाँ तो उसके अंदर हो जाएगा तो थ्योरी के बुक के अंदर जो टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ वो अच्छे से कवर हो जाएगा आपका और क्वेश्चन बैंक के अंदर एमसीक्यू सॉल्व करने इतने से आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी और क्या क्या होता है यहाँ पर फ्रेंड्स टीचर एक रिसोर्स बन जाता है मतलब जरिया बन जाता है किसी भी कंसेप्ट को समझाने वाला यहाँ पे वो अपना ऐसा नहीं कह रहा कि भाई मेरे को तो सब आता है मैं पढ़ा के निकल लेना है। ना 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 वहाँ पे आपको समझा जाता है अगर आपको कंसेप्ट नहीं आ रहा तो उसको क्लियर भी किया जाता है ठीक है तो यहाँ पर टीचर एक जरिया है अथॉरिटी नहीं है तो एक हिल पर्सन है पर्सन का नाम है हिल हिल ने एक मॉडल दिया है और उस मॉडल का नाम क्या है लर्निंग थ्रू डिस्कशन ठीक है तो इस मॉडल का नाम है लर्निंग थ्रू डिस्कशन तो लर्निंग थ्रू डिस्कशन यहाँ पर करवाई जाती है टीचर और स्टूडेंट दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं ये नहीं पता चलता कि भाई टीचर कौन है या लर्नर कौन है बिकॉज सभी आपस में मिलकर एक पर्टिकुलर टॉपिक को समझ रहे होते हैं डिस्कस कर रहे होते हैं और एक दूसरे को समझा रहे होते हैं क्लियर कर रहे होते हैं ठीक है तो इसीलिए इसको एनिमेटेड डिस्कशन भी बोल देते हैं हाँ बिल्कुल आज से स्टार्ट हुई है बिल्कुल ठीक है यहाँ तक सबको क्लियर हो गया पूरा हंड्रेड परसेंट येस ओ नो अगर हो गया तो प्लीज कमेंट करो यस yes. यहाँ तक अपना सब क्लियर है अगला टॉपिक लेकर आएंगे अगला टॉपिक है कंटेंट फोकस मेथड। ठीक है तो जो कंटेंट फोकस मेथड है ये क्या है इस प्रकार का मेथड है जिसके अंदर कंटेंट ही प्रधान है का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट जी तो यहां पर सबसे ज्यादा सैक्रोसैन कौन है प्रधान कौन है कंटेंट आपने देखा होगा कि आप कहते हैं डिस्कशन मेथड से पढ़ाया करो ठीक है भाई हम डिस्कशन मेथड से तो पढ़ा ही देते हैं प्लस हम यहाँ ये यह कह रहे हैं कि कंटेंट पे भी फोकस करेंगे क्योंकि अगर हम डिस्कशन मैथड से पढ़ाते हैं तो आपने नोटिस क्या होगा कभी कभी इधर उधर की बातें चालू हो जाती हैं हम पता नहीं चलता कि यार टॉपिक से हम भटके कैसे अब तो इधर से उधर निकल लिए ठीक है तो वहां पर डिस्कशन मेथड के साथ साथ हमें अब तेरी पढ़ाई पे ध्यान दो टॉपिक पे आ जाओ वापिस से कंटेंट पे फोकस करना पड़ेगा यस और नो ठीक है तो हमें बिल्कुल हंड्रेड परसेंट कंटेंट पे भी फोकस करना पड़ेगा वी द कंटेंट एज वेल तो सबसे ज्यादा प्रधान यहाँ पर डिस्कशन मेथड के साथ साथ स्टूडेंट मेथड के साथ साथ लर्नर सेंटर मेथड ही है कंटेंट भी ज्यादा जरूरी है ठीक है यस और नो ओके तो लॉट ऑफ इम्फोसिस ऑन क्लैरिटी एंड केयरफुल एनालिसिस ऑफ द कंटेंट टॉपिक

कंटेंट के अंदर क्या क्या होता है कंटेंट के अंदर सबसे पहले होता है हमें कंटेंट के गोल को समझना ठीक है अब गोल को अगर समझा तो कंटेंट के ये भी समझना है कि उसके सोर्सेज क्या होंगे उस टॉपिक को किस प्रकार से कहाँ कहाँ से पकड़ा जा सकता है उसका स्ट्रक्चर भी तैयार करना है एग्जाम्पल के लिए मैं आपके साथ हूं, आ जाऊँ प्लस फ्री फर्स्ट क्लास में टीचिंग एप्टीट्यूड की तो इस क्लास में मुझे पता है मैंने टॉपिक क्या कराने हैं पहली क्लास में टीचिंग का इंट्रोडक्शन होता है उसकी करेक्टरिस्टिक्स होती है उस फिर टीचिंग के मैंने ये बताया टीचर सेंटर लर्नर सेंटर एंड कंटेंट फोकस ये सब टॉपिक मतलब तो आज की क्लास में क्या क्या पढ़ना उसका कोई था कोई तो ढांचा होगा कोई तो स्ट्रक्चर होगा कि ये पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे राइट तो इसको बोलते हैं दूसरा क्वांटिटी क्वांटिटी मतलब कितना हद तक पढ़ना है तो क्वांटिटी पे भी फोकस करेंगे ठीक है कितनी डेप्थ तक पढ़ना है तो क्वांटिटी भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा जरूरी है यार एक क्लास में कवर कितना करना है और उसको कवर करने के लिए हमें कौन कौन सी एक्टिविटी की ज़रूरत है जैसे कि अभी मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ टॉपिक के साथ साथ आप देखना लास्ट में आपके साथ में एफ कराऊंगी और एक आधा क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दे दूंगी तो अगर मैं ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दे दूंगी तो इसका मतलब ये सारी एक्टिविटी हो गई इस पर्टिकुलर क्लास को कवर करने के लिए गैस और नो इसके अंदर क्या क्या कराया जाएगा कंसेप्ट कराया जाएगा क्वेश्चन कराए जाएंगे फिर होमवर्क में भी दे दिए जाएंगे तो ये हमारा पूरा एक्टिविटी है आज की क्लास की राइट वन टू थ्री स्टार्ट करना पड़ता है ठीक है हाँ जी वन से स्टार्ट करना पड़ता है वेरी गुड तो ये चीजें कंटेंट के अंदर क्या क्या चीजें आती है उसका गोल उसका स्ट्रक्चर उसके रिसोर्स उसकी क्वांटिटी तो ये टीचर को ध्यान में रखना होता है अगर हमें कंटेंट सेंटर पे फोकस करके रखना है तो ओके नेक्स्ट मॉडल मैथड इज इंटरक्टिव मैथड या फिर पार्टिसिपेटिव इसमें और सेंटर में क्या है? Simple है learner center method ही है, है है। ही लेकिन यहाँ पर हम interaction कर रहे हैं। इधर सबसे important बात ये लिखो जल्दी से। एनालिसिस करेंगे इसके अंदर हम ठीक है सिचुएशनल मैथड है सिचुएशनल जल्दी से कमेंट में लिखो इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ मैं सिचुएशन को एनालाइज करूंगी कि मुझे कौन से लेवल पे कौन सा मेथड यूज करना है फॉर एग्जांपल अगर हम इंट्रोडक्शन पार्ट में आते हैं क्लास की तो फिर हमें लेक्चर मेथड चलेगा राइट right? फिर हम ड्यूरिंग द क्लास जब पढ़ा रहे होते हैं तो मुझे लर्नर सेंटर मैथड चलेगा बट अगर बच्चा डिस्ट्रैक्शन की तरफ जा रहा है लर्नर सेंटर में ज्यादा ही गप्पे ऊपे बच रही है तो फिर मुझे कंटेंट सेंटर में घुसना पड़ेगा क्या समझ में आ रही है जब बिल्कुल ही काबू से बाहर हो जाए तो फिर मैं बच्चों को ये कह सकती हूँ तुम्हारी चैट बंद नहीं हो रही ना तो चलो मैं वापस से लेक्चर सेंटर मेथड पे आती हूँ ठीक है तो ऐसा करके कर सकते हैं यस yes. तो फिर यहाँ पर हमारा सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या हुआ इंटरेक्टिव और पार्टिसिपेटिव मेथड के अंदर कि हम एस पर सिचुएशन डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा मेथड यूज करना है और हम एक मेथड से दूसरे मेथड में भी स्विच कर सकते हैं यस और नो आर यू विद मी क्या आप स्टडी करते करते मेरे साथ आ गए हो टॉपिक समझ में आ गए हैं जो पढ़ा रही हूँ मैं जल्दी करो टाइप यस ओके डेली यही क्लास का टाइम होगा देखो आर्यन टेंडोवल क्लास का टाइम जो है वो कभी इवनिंग में होगा कभी हो सकता है ग्यारह साढ़े ग्यारह हो ठीक है तो इसके लिए आ, क्योंकि मेरी पीएचडी भी चल रही है मेरे को यूनिवर्सिटी भी जाना होता है ठीक है तो जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है मैं क्लास लूँगी लेकिन हाँ क्लास रोज़ होगी तो आप टेलीग्राम पर बने रहें टेलीग्राम पर नव क्लासेस सर्च करके ताकि उसमें हमारी क्लासेस का टाइम पता चल जाए अन अकेडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन मेन्यू बै स्टार्ट हो गया बिल्कुल हो गया नया बैच अभी हमारा कल परसों ही हुआ था स्टार्ट तो अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन देते हो नव क्लास स्कोर से तब भी आपके सारे यूनिट्स बहुत डीपली कवर होंगे तो यहाँ पर आप मैथड समझ में आ गए चारों के चारों अब अगला टॉपिक करने के लिए रेडी हैं आप बताओ जल्दी से तो यार यहाँ पर एक और टॉपिक आता है व्हाट इज इफेक्टिव टीचिंग बट इज इफेक्टिव टीचिंग टीचर शुड अट लर्नर सेंटर अप्रोच इफेक्टिव टीचिंग तभी है जब टीचर लर्नर सेंटर अप्रोच को अपनाए ठीक है ठीके? कौन सी अप्रोच लर्नर सेंटर स्टूडेंट ये सबसे बेस्ट अप्रोच दूसरी बात एनीथिंग एल्स आसान भाषा में पढ़ाए ठीक है लूसिड का मतलब क्या होता है इजी लैंग्वेज आसान भाषा में पढ़ाई फिर और कौन होता है इफेक्टिव टीचर इफेक्टिव टीचर वो होता है जो लर्नर की जो थिंकिंग है सोच है उसको एक तरीके से एक तरफ लेकर जाए जिधर लेके जाना है तो सोच को प्रोत्साहित करे ठीक है छात्रों की क्षमता का विकास करे इसको क्या बोलेंगे स्टिमुलेट थिंकिंग बोल रही हूं मैं साथ में ठीक है सोच को प्रोत्साहित करें और क्षमता को बढ़ाए फोस्टर द लर्निंग एबिलिटी इनक्रीज लर्निंग एबिलिटी ठीक है काबिलियत को बढ़ाए यस yes. और कुछ यहाँ पे क्लास में डाइवर्स स्टूडेंट होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात हमेशा ही हमें याद रखनी है कि लर्नर की डाइवर्सिटी होती है मतलब डिफरेंट कल्चर से आते हैं बच्चे एग्जाम्पल के लिए हमारी क्लास में कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम है कुछ हिंदी है किसी को ओनली इंग्लिश आती है किसी को ओनली हिंदी आती है किसी को दोनों आती है और अलग अलग बच्चे अलग अलग टॉपिक का अलग अलग मीनिंग निकाल लेते हैं तो भाई विभिन्नता होती है कि नहीं क्लास में क्लास में विभिन्नता होती है है ना डाइवर्सिटी होती है तो हमें इतनी डाइवर्स स्टूडेंट के अलग अलग ज़रूरतों को समझना है तो क्या कहता है कि केटर द डिफरेंट या डाइवर्स नीड ऑफ द स्टूडेंट जब लर्नर की डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग जो जरूरतें होती हैं उनको पूरा करना चाहिए लर्नर के साथ यू नो फीडबैक का भी यूज करो जैसे अगर आप कमेंट में पूछते हो कि मैम ये बताओ ये दोबारा बताओ तो वहाँ पर आपके फीडबैक का भी सही यूज़ करना चाहिए ताकि लर्निंग में लर्नर को कॉन्फिडेंस एंड इंटरेस्ट आए क्या है कॉन्फिडेंस एंड इंटरेस्ट आए ठीक है तो ये सब काम हो गए टीचर के और क्या काम होते हैं टीचर को लर्नर को लाइफ लॉन्ग लर्निंग का मतलब क्या हो गया कुछ इस प्रकार से लर्निंग कि भाई लर्नर हमेशा ही इस पर्टिकुलर चीज को आगे तक जिंदगी भर सीख सके उसको तो बोलते हैं लाइफ लॉन्ग लर्निंग वेरी गुड इक्वालिटी का ध्यान देना चाहिए इक्वालिटी okay, मतलब हर एक पर्सन को अवसर देना चाहिए जितना जिसका लायक है उसको उतना मिलना चाहिए ऑटोनॉमी यानी कि फ्रीडम भी देना चाहिए एक्टिव पार्टिसिपेशन भी करवाना चाहिए लर्नर को एक्टिवली एंगेज करके रखो ठीक है पार्टिसिपेशन करवाओ हैव यू अंडरस्टूड विद दिस चलिए फिर हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं दैट इज Effective teacher actually और कौन-कौन सा हो सकता है 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 मैं से से लिख इसके आगे जिसको अपने अपने के बारे में में बिल्कुल स्पष्ट कि कि मुझे पता है कि यार इस ये सब कुछ आता है। अपने subject की knowledge है। जो कम्युनिकेट कर सकता है कि learner से उसे क्या चाहिए मुझे क्या चाहिए तुमसे करोड़ों रुपए की जायदाद या फिर नेट पता होना चाहिए ना एक्सपर्ट यूज कर सके इंस्ट्रक्टर, और अगर लर्नर के दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन्स हैं उसको पहले ही फटाफट पता कर सके उसको कन्फ्यूजन को सॉल्व करें देखो अगर जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे को ग्यारह साल का एक्सपीरियंस है एलेवन ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो उस एलेवन ईयर्स के एक्सपीरियंस की वजह से मुझे पता चल जाता है कि अब बंदा ये क्वेश्चन पूछने वाला है ठीक so, है अब लर्नर ये क्वेश्चन पूछा तो दिस इज हाउ आपके मिसकनसेप्शन जहाँ हैं जहाँ त्रुटियाँ हैं कमियाँ हैं उसको टीचर अपने आप ही उसको जल्दी से एनालाइज कर, कर सकता है उसको क्लियरली एक्सप्लेन कर सकता है ठीक है यहाँ तक क्लियर हो गया सबको वेरी गुड अब ना बहुत ही प्यारी प्यारी सी टर्म्स है आपके कंसेप्ट के अंदर और वो टर्म्स है कॉग्निशन एंड कॉग्निशन स्ट्रेटेजी कॉग्निटिव एंड मैटाकॉग्निटिव तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉग्निटिव ट इज दिनिंग ऑफ मैटा कॉग शब्द का मतलब है कि स्टूडेंट इंप्रूव कर सके अपने लर्निंग के आउटकम को ठीक है कॉग्निटिव का मतलब है कि लर्निंग के जो आउटकम है उसको वो इम्प्रूव कर सके हाँ जी मतलब एग्जाम्पल के लिए टू गेन द नॉलेज प्लीज लेना थिंकिंग कर पाना सोच पाना ठीक है फॉर एग्जाम्पल आपने कोई टॉपिक रिपीटेशन करा ऑर्गेनाइज किया न्यू लैंग्वेज को सीखा ठीक है मीनिंग को निकाला आपने किसी कॉन्टेक्स्ट है मैंने बोला ए लर्नर के कैटेगरीज बताने हैं तो आपने फटाफट उस कॉन्टेक्स्ट को कै, कैच किया किसी पर्टिकुलर चीज जो हमने पहले से सीख रखी है उसके बारे में दोबारा से इमेजिन कर पाना ये सब क्या है ये है उस चीज के बारे में सोच पाना कॉग्निशन कर पाना दिमाग में नॉलेज ले पाना ठीक है मैं आपको पढ़ा रही हूँ यहाँ से नॉलेज आ रही है ये हमारे दिमाग में घुस रही है इज द मीनिंग ऑफ शब्द का मतलब होता है समथिंग एक्स्ट्रा okay? कुछ ज्यादा तो यहाँ थिंकिंग तो करनी है लेकिन थिंकिंग अबाउट थिंकिंग करनी है ठीक है सेल्फ मॉनिटरिंग सेल्फ इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट कैन यूज मैटा कॉग्निशन स्किल्स टू थिंक अबाउट हाउ दे थिंक कि हम किस प्रकार से थिंक करते हैं सोचते हैं इसके बारे में ही सोचना है क्या बोलोगे thinking about thinking. इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल हम ना आप पता है क्या होता है हम पढ़ रहे होते हैं हम पढ़ाई कर रहे होते हैं साथ साथ गलती से बीच में उड़ा लिया हमने फोन और फोन उठाते उठाते कुछ सर्च करने लिख हो जगह पे हमने इंस्टा पहुंच गए हम यूट्यूब शॉर्ट्स देखने लग गए फेसबुक पे शॉर्ट्स देखने लग गए ठीक है रील्स देखने लग गए तो उसका मतलब क्या है पता नहीं चलता कि हमारी थिंकिंग कहाँ से कहाँ चली गई सिर्फ सोचना काफी थोड़ी ना है हमें क्या पता हम क्या सोच रहे हैं सही सोच रहे नहीं सोच रहे हमारा डे ड्रीमिंग में तो नहीं घुस गए हमें ये सोचना है कि हम क्या सोच रहे हैं यानी कि उसी टाइम आप सोचो अब तेरी ठीक क्या पढ़ करना क्या था कर क्या रहा रहो वहीं पे फटाफट से आप अपने नॉर्मल टास्क पे दोबारा से जब आ जाओ तो उसको बोलते हैं थिंकिंग अबाउट थिंकिंग ठीक है अपनी ही सोच के बारे में दोबारा से सोचना कि मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं ये बहुत ही अच्छी स्किल है अगर आप पढ़ाई लिखाई में भी इसको यूज करोगे तो जब हम पढ़ रहे होते हैं आपने नोटिस किया होगा आधे घंटे बाद पता नहीं कहीं ये कहीं बोन जाते हैं और टॉपिक तो वही रह जाता है हम कुछ और ही सोच रहे होते हैं कितों के साथ ऐसा होता है क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है यस और नो लिखो कमेंट में नहीं हुआ तो तुम बहुत बहुत बढ़िया हो यार तुम्हारा कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छा है लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो उस कंसेंट्रेशन पावर में जो रुकावट आती है हम इधर का उधर देखने लग जाते हैं उसको ठीक कर सकते हैं कैसे मैटा कॉग्निशन से ठीक है यस पी एच डी एंट्रेंस की बिल्कुल तैयारी कराती हूँ मैं जो मैं पेपर वन यूट्यूब पे या फिर प्लस क्लास में करवा रही हूँ उसका रिसर्च आप स्टैटिस्टिक्स और आपका पेपर टू यही आता है पीएचडी एंट्रेंस में उसके अलावा पीएचडी एंट्रेंस के साथ साथ आपको जो रिसर्च प्रपोजल बनाना है वो किस प्रकार से बनाना है उसका कोर्स मैंने कुडोजी लर्निंग डॉट कॉम या कुडोजी लर्निंग ऐप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है उसमें निकाला हुआ है उसकी लास्ट डेट ज्वाइन करने की कल परसों ही है या फिर अगर आप मेरी सीट्स फुल हो गई तो उससे पहले ही वो क्लोज हो सकती है ठीक है तो आप वो सब कोर्स लेना चाहते हो तो ले सकते हो उसमें आप पर्सनलाइज गाइडेंस ईच एंड एवरी आपको समझाऊंगी और आपका प्रपोजल बनवा के तैयार भी करवाऊंगी ऐसे रिसर्च पेपर भी बन के तैयार हो जाएगा तो मैटर कॉग्नेशन का संबंध में आ गया थिंकिंग अबाउट द थिंकिंग यस हमेशा मैम मेरे साथ आ, मैं बिल्कुल आपके साथ रिजल्ट यार मार्च के एंड के अंदर आएगा ठीक है पंद्रह दिन के आसपास आता है तो फ्रेंड्स मेटा कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी के लिए हम कहते हैं कि लर्नर को हेल्प करो समझने के लिए कि वो कैसे सीखता है द वे दैट पर्सन लर्न ठीक है क्योंकि अगर आप अपने तरीके को समझ गए ना कि यार मैं इस तरीके से ऐसे ऐसे यहाँ यहाँ खो जाता हूँ उधर से वापस आ गए और अच्छे से कंसनट्रेट करना सीख गए तो उस कॉग्निशन का फायदा होगा जो लर्निंग थी जो थिंकिंग थी जो नॉलेज लेना था हमने जब चीज़ों को कॉग्नाइज किया था नॉलेज ली थी उसका फायदा अब होगा जब हम इसके ऊपर मैटा कॉग्निशन भी कर सकें ठीक है लर्नर समझ पाता है अपने खुद के फीडबैक के द्वारा अप्रोप्रिएट फीडबैक जब आप उसको देते हो या खुद वो अपने आप सेल्फ मॉनिटरिंग करता है तो कि वो कहाँ है और उसको दोबारा से कंटेंट पे कैसे फोकस करना है ठीक है तो यहां तक आप सबको समझ में आ गया हुआ है yes no? हाँ जी अच्छा मैम आरडीसी के लिए प्रपोजल बनाना है कैसे बनाऊं आरडीसी के लिए हाँ तो वो भी रिसर्च प्रपोजल ऑफिस कैसे बनाते हैं ना उसमें एग्जाम है आपका का एग्जाम है लो क्लास मिशन वाली देखो फटाफट से पूरा हो जाएगा रात को दस बजे वाली क्वेश्चन आओ सी करने ठीक है अगला क्वेश्चन अगला टॉपिक करें ये तो हमने इधर एक से ये सीखा है मतलब क्या क्वेश्चन में बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को कभी क्वेश्चन में आ गया फैक्टर आ और क्या मुझे बताओगे इसमें डिफरेंस क्या है

कोई दिक्कत नहीं होगी इस पेपर में नेक्स्ट टॉपिक इज हमने पॉजिटिव देख लिया effective देख लिया, तो यार negative को, तो क्लासरूम so, में इन इफेक्टिव क्लासरूम क्या होती है ये बताओ इफेक्टिव क्लासरूम होते हैं जब हमने अप्रोच, हम ही गलत बनाया। कंसिस्टेंट रोज जब हम फोल तो फिर इन इफेक्टिव क्लासरूम में इनकसिस्टेंट एक्सपेक्टेशन फॉर डिफरेंट लर्नर्स दैट आर लोअर फॉर डिसएडवांटेज स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल मैंने एक्सपेक्टेशन इनकसिस्टेंट लगा लो आप साथ एक्सपेक्टेशन साथ, एग्जाम्पल के लिए सोशल सोशल इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड है बच्चों का जैसे तो जो अमीर बच्चे हैं मैं सोचती हूँ भाई सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के रूप में वो ज़्यादा अच्छा करते हैं और उनको मैं ज़्यादा ध्यान दूँ क्योंकि उनसे शायद कोई नोट वोट में मिले हमें है ना या फिर जो ऐसे बच्चे हैं जो कि मेरे फेवरेट हो उनको तरफ ज्यादा ध्यान दूँ तो यार अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर बाकी बच्चों में डीमोटिवेशन आ जाएगा इस वजह से वो ढंग से पढ़ नहीं पाएंगे तो दैट इज़ वाई वी हैव टू यू नो कि हम एक्सपेक्टेशन सबसे सेम रखें ऐसा ना हो कि हम इनकसिस्टेंट एक्सपेक्टेशन रखें जिसकी वजह से हमारी लहर टूट जाए तो वो इनफेक्टिव हो जाएगा अदरवाइज राइट एज अ टीचर सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्वेश्चन में ये भी आता है अगर बात करूँ ना टीचर की टीचर का सोशल वेलफेयर है गोल एज अ टीचर टीचर चाहेगा मेरे सारे बच्चे पास हो होने सारे बच्चे जेर एफ ए कराए यार मेरे प्लस वाले बच्चे भी हो जाए मेरे फ्री वाले बच्चे पास होंगे ऐसा क्यों क्योंकि तो यार अगर प्लस वाले बच्चे पास होंगे तो इसका मतलब यार प्लस में बहुत अच्छा कंटेंट लिया है नेट जेर एफले कराएं ऑल इंडिया रैंक वन लेकर आए हैं लेकिन अगर फ्री वाले होंगे तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि मेरी फ्री क्लास भी इतनी इफेक्टिव है जिससे आप जेर एफ ए करा सकते हो मतलब आप ये कहने वाले सकते हो यार मैम तो फ्री क्लास में बहुत बढ़िया पढ़ाती है उसका मतलब उस कंटेंट में भी दम है मेरे लिए तो दोनों ही फायदे हैं मेरे को नुकसान क्या है पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ जाएगा यस और नो इसलिए टीचर का जो मेन मकसद होता है वो सोशल वेलफेयर होता है जबकि लर्नर की बात करें लर्नर तो यार होता है तो वो पर्सनल गोल की तरफ जाता है वो क्या चाहता है लर्नर भी मैं पास हो जाऊँ अगर आपको मौका दिया जाए कि आर्यपंत को मौका दिया जाए आर्यपंत या तो ये ऑल इंडिया रैंक तुम्हें मिलेगी या तो तुम्हारे फ्रे, बेस्ट फ्रेंड को मिलेगी यार बेस्ट फ्रेंड के चक्कर में भी क्या आर्यपंत अपनी ए आई आर वन छोड़ देगा एक को ये नहीं कि दो, तो, दो को तो मिल नहीं सकती इसका मतलब कि आप सब अपने ऊपर ले सकते हो कि या तो आपको मैं मौका दू या आपके फ्रेंड को मौका ठीक है खोल लेगा ये मौका वही जो मर्जी हो जितना मर्जी सगा हो तो कहीं ना कहीं आप सेल्फ सेंटर तो होगी तो आप कहोगे मैं निकलूँ आगे मैं दूसरों को ये दूँ तो वो हो गया लर्नर पर्सनल साइड पे चला जाता है ठीक है ये तो सही बात है आप हाँ क्लास भी बहुत हाँ फ्री क्लास भी बहुत अच्छा लेते हो ठीक है आगे समझ यस ओके और क्या क्या प्रॉब्लम्स है इन इफेक्टिव क्लासरूम में टीचर स्टूडेंट का अगर इंट्रैक्शन बहुत ही लो लेवल का होता है ठीक है जब टीचर को तो स्टूडेंट अच्छा नहीं मानता मान लो आपको मैं पसंद ही नहीं हूँ आपको मैं हमेशा से बेकार लगती हूँ मैं जितना मर्जी सोने की बन के आ जाऊँ अच्छे से अच्छा पढ़ा दूँ आपको समझ ही नहीं आएगा क्योंकि यहाँ टू वे कम्युनिकेशन अच्छी है ना अगर मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँ तो आप भी उसमें पूरा मन लगा के पढ़ाई करें अगर दोनों ही अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करें तो डेफिनेटली वी विल गेट इट राइट आई समझ ओके देन नेगेटिव क्रिटिसिज्म चल रहा है क्लास में फीडबैक नेगेटिव चल रहा है तो नेगेटिविटी का माहौल में और नेगेटिव है ये इसका इफेक्ट भी हो जाता है स्टूडेंट भी कभी कभी ना बहुत ज्यादा मचाते हैं ठीक है चिल्लम मचाना चै -चै, पै -पै, अपनी बातें करते रहना करते रहना क्लास में क्या चल रहा है मतलब ही नहीं है ठीक है तो अगर ऐसा स्टूडेंट करते हैं तो भी क्लास बिल्कुल बेकार हो जाती है ठीक है इसलिए हम कहीं ना कहीं कहते हैं कि टीचर तो को स्टूडेंट को बिल्कुल खुली छूट भी नहीं देनी चाहिए इन सब से बचने के लिए क्या करना चाहिए लेवल ऑफ डिटैचमेंट चाहिए। लेवल ऑफ डिटैचमेंट शब्द का मतलब क्या है कि ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही मिक्सअप हो जाओ ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ दो मेरे को पढ़ाने से मतलब कोई मतलब नहीं है

Uh, उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो क्या मेरे को उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए पढ़ाई छोड़ के देना पड़ेगा ना थोड़ी बहुत और टेंशन देनी पड़ेगी उसका मतलब मुझे बिल्कुल ही डिटैच भी नहीं होना है तो हमें एक बैलेंस मेंटेन करके चलना है ठीक है आई समझ वी हैव टू मेंटेन द बैलेंस वेरी गुड तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलना है स्ट्रांग रिलेशन होना चाहिए इन्फ्लुशन की मोटिवेशन वाला होना चाहिए और बिल्कुल ही बेकार भी नहीं होना चाहिए आई समझ तो भाई मेरी बात सुनो ऑफ इफेक्टिव टीचिंग में क्या हुआ करेक्टरस्टिक्स में ही हो गया कि प्लानिंग करके आओ क्लासरूम में कंटेंट को ऑर्गेनाइज करके लाओ क्लासरूम का माहौल पढ़ने लिखने वाला होना चाहिए टीचर और स्टूडेंट के बीच में रिलेशन अच्छा होना चाहिए लर्निंग फॉर टीचिंग या टीचिंग फॉर लर्निंग मैं टीच करूँ ताकि बच्चा सीख पाए स्टूडेंट्स की जरूरतों को समझो उनके टाइम टू टाइम एग्जाम लो क्वेश्चन पूछो असेस करो प्रोसेस करके ये पता चलेगा कि इनको समझ में आया कि नहीं आया नहीं आया तो फिर उसको चेंज करो अगली बारी अपने मेथड को ठीक है तो ये सब चीज़ें होती हैं ओके तो अभी काफ़ी सारी चीज़ें हमने सीख ली हैं अब मैं क्या चाह रही हूँ कि कुछ हेन्सिक्यूज करवाती हूँ आपको आज के टॉपिक से रिलेटेड भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं फिर कल की क्लास में हम क्या करेंगे आज हमने ओवरव्यू लिया है कल की क्लास में टीचिंग एप्टीट्यूड का ही हम लोग करेंगे लेवल ऑफ टीचिंग ठीक मोरिस एल बी के द्वारा जो दिया गया कंटिन्यूम वो भी पढ़ेंगे यस और नो डे टू में आज फिर आप क्वेश्चन करते हैं तो ये कुछ लेटेस्ट एमसीक्यूज़ हैं क्यूज है लेटेस्ट सी हाँ जी मैम आपकी पीएचडी एच कहाँ से चल रही है आपकी भी चल रही है वेरी गुड मेरी एनएसयूटी से चल रही है तो विच ऑफ फॉलोइंग ऑपरेशंस कम अंडर प्रीएक्टिव फेज ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू फिलिप जैक्सन फिलिप जैक्सन के हिसाब से एक्टिव फेज में कौन से वाले ऑपरेशन आते हैं diagnostic of learner decision about strategy action risk and reaction selection appropriate testing device ये चल रहा है ठीक है तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आ गया डिसीजन अबाउट स्ट्रेटजी ठीक है तो इन्होंने क्या बताया था स्ट्रेटजी के बारे में किस प्रकार से डिसीजन ले चाहिए ये बताया था कि प्रीएक्टिव फेज ऑफ द टीचिंग पहले हम क्या करेंगे हमारी क्लास में आने से पहले मुझे स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी

आपका बना ठीक है तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाता है ठीक है okay, सबसे पहले तो यार पहले आएगा प्रिपरेशन आखिरी में आएगा जनरेशन ये सबको पता था राइट पी और ये सबका क्लियर था अब लड़ाई थी इन दोनों में जंग थी इन दोनों में तो इन दोनों में से क्या आएगा फिजिकली आपका प्रेजेंटेशन uh, देखो सबसे पहले प्रिपेयर किया फिर लेसन दिया प्रेजेंटेशन फिर उस पर लिंक बनाया और फिर लास्ट में उसको क्या कर दिया जर्नलाइजेशन कर दिया है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया सिंपल डी गायब है सब में गायब है चार ऑप्शन है सब में ओके नेक्स्ट से कौन सा आउटसाइड द परव्यू ऑफ करैक्टेरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग लर्निंग के करैक्टेरिस्टिक्स से बाहर है लर्नर इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस क्या हम उम्र भर सीखते रहते हैं लर्निंग एक टेंपरेरी चेंज होता है किसी के बिहेवियर में प्रॉम्प्टेड बाय इंडिविजुअल नीड क्या जरूरतों के हिसाब से आप लर्न करते हो लर्निंग इज ट्रांसफरेबल क्या आपने जो सीखा है दूसरों को सिखा सकते हो अरे वाह 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 वा वा वा, आज ज्यादातर आंसर ऐसा ही क्यों हो रहा है बी यार ये टेम्परेरी चेंज नहीं है अगर मैंने आज आपको पढ़ाया तो वो लाइफ लॉन्ग चेंज हो जाना चाहिए आपको अच्छे से उम्र भर तक आ जाना चाहिए बार बार आप भुल्कड़ो की तरह भूलते रहो ठीक है क्या बात है पर इसको जनरलाइज मत कर लेना कि हमेशा आंसर भी आएगा पढ़ के देंगे आंसर अगला क्वेश्चन है प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिटिकल थिंकिंग क्रिटिकल अच्छा ये क्रिएटिव है क्रिएटिव है और डिसीजन में ठीक है इसके हिसाब से ये रहे ऑप्शन आपके ये रहे आपके मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया हुआ है यू हैव टू सी बहुत ध्यान से पढ़ लेना जी मैं साइड हो चुकी हूँ आपने आंसर देना है

द कोर्स ऑफ एक्शन जिससे हम डिजायर आउटकम आ सके चीजें मतलब आउटकम बाहर निकालना डिसीजन देना है so, अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा टूल ट्रेडिशनल ऑफलाइन टीचिंग का है प्रोजेक्टर पावर पॉइंट फिजिकल मॉडी या एलएमएस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पुराने जमाने का टूल कौन है बहुत सिंपल क्वेश्चन है एवरीवन कैन आंसर इजीली फिजिकल मोड में क्या होता था पहले क्लासरूम में पढ़ाया जाता था तो वही चीज क्लासरूम टीचिंग ठीक है जी इंडिविजुअल पार्टिसिपेट कर रहा ऑनलाइन कम्युनिटीज में कैन रिमेन एनोनिमस एंड क्रिएट फिक्टिशियस पर्सनास द एथिकल कंसर्न ऑफ एनोनिमिटी इज दैट ऑनलाइन कम्युनिकेशन में एनोनिमिटी मतलब यार आप अपनी पहचान छुपा सकते हो आप अपना नाम एबीसीडी भी रख सकते थे तो इस एनोनिमिटी से हम का क्या कंसर्न क्या है oh my God, मैं भूल गई क्या भूल गई आंसर लाना नहीं बोली मैं ये तो होमवर्क है मैंने आपको कहा था एक क्वेश्चन होमवर्क में मिलेगा कमेंट में आंसर कर इसका आंसर कल मिलेगा डे टू की क्लास और इसी चक्कर में मैं डे टू या क्लास टू भी लेने वाली हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड की और आप आन देखने वाले हो ठीक है मजे आएंगे फिर कल की क्लास लेंगे और कल की क्लास के आखिरी में इसका आंसर मिलेगा फिर और क्वेश्चन होंगे तो मिलते हैं अगली क्लास में प्यारे प्यारे कमेंट